मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी होती है, इसे पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है। आसमान में इठलाती सतरंगी पतंगे, साथ ही ओकाट की आवाज दिन भर गूंजती रहती है। यह सिलसिला सुबह से लेकर दिन ढलने तक चलता। पतंगे जमीन से लेकर आसमान में तैरते रहते, एक दूसरे की पतंग को काटने पेश लड़ाने की होड़ मची रहती है। मकर संक्रांति के पर्व पर युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सभी लोग हाथ आजमाते हैं। पतंगबाजी करते समय सबसे ज्यादा हमें सावधान होने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे कभी भी पशु, पक्षी और लोगों के साथ हादसा हो सकता है। इसीलिए नायलॉन मांजे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी के चलते कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर के आदेशानुसार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र 4100 स्कूली बच्चों ने शपथ ली कि नायलॉन मांजे का प्रयोग नहीं करेंगे। नायलॉन मांजाचा वापर आम्ही करणार नाही। आम्हाला माहित आहे की नायलॉन मांजा वापर खरेदी व विक्री करणे यावर कायद्याने बंदी असून त्याची खरेदी विक्री किंवा वापर आम्ही करून कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही। तसेच कोणी नायलॉन मांजा वापरत असेल किंवा त्याची खरेदी विक्री करत असेल तर त्याची माहिती आम्ही जवळच्या पोलीस स्टेशनला देऊ। आमच्या कुटुंबात, नातेसंबंधात, मित्र परिवारात किंवा शेजारी कुणी नायलॉन मांजा वापरू नये म्हणून आम्ही त्याचे उद्बोधन करू। नायलॉन मांजाच्या दुष्परिणामाबद्दल समाजात जारी जागृती करणे हे आमचे सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे असे आम्ही समजतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।